अस्सलाम वालेकुम। आज आपको प्लेन केक बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए मक्खन लिया है 100 ग्राम, चीनी आधा कप, 3 अदद अंडे, 1 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस। सबसे पहले एक बोल लेंगे, इसमें पिघला हुआ मक्खन डालकर इसको हैंड विक्स के साथ अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। मक्खन को हैंड विक्स के साथ अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब इसमें चीनी डालकर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मक्खन में चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें एक एक करके अंडे डालते जाएंगे। मक्खन में चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें एक एक करके अंडे डालते जाएंगे और इनको मिक्स करते जाएंगे। एक अंडा डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें दूसरा अंडा डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें तीसरा अंडा डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें वनीला एसेंस डालकर मिक्स करेंगे। अब इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। मैदा और बेकिंग पाउडर को हमने पहले से छान लिया था। प्लीज़ आप जब भी बेकिंग करें मैदा और बेकिंग पाउडर को हमेशा छान लिया करें। केक का बैटर तैयार है। हमने एक केक का मोल्ड ले लिया है। इसमें बटर पेपर लगाकर इसको मक्खन के साथ ग्रीस कर लिया है। अब ये केक का मिक्सर इसमें डाल देंगे।
केक का बैटर डाल दिया है। आप इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट तक बेक कर लेंगे। आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से केक को बेक कर लें। आप इसको ओवन में बेक करने रख देंगे। केक को ओवन से निकाल लिया है। आप इसको किसी टूथपिक या छुरी से इस तरह चेक कर लें। अगर साफ़ निकले तो इसका मतलब है केक बिल्कुल तैयार है। अगर बैटर गीला हो तो आप केक को मज़ीद बेक कर लें। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। केक को ठंडा होने के बाद मोल्ड से निकाल लिया है। आप इसको काट लेंगे। प्लेन केक को काट के सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल नरम और सॉफ्ट है। आप इसको चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व करें। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपका प्लेन केक कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।